हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका विशाल चौधरी फिटनेस चैनल में। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। तो आज हम बात करने वाले हैं BCAA के बारे में। BCAA क्या है? BCAA ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी की रिकवरी में, मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं, वे हमारी बॉडी की मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे बाकी चीज़ ज़रूरी है, अमीनो एसिड्स ही ये मान लो कि हमारी मसल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें BCAA की। BCAA किसे लेना चाहिए, BCAA की ज़रूरत है भी या नहीं भी है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि वर्कआउट के टाइम पे जब हम अपनी मसल ब्रेक डाउन करते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए हमें BCAA चाहिए। लेकिन किसे चाहिए, आप ये बताओ। कोई इंटरमीडिएट लेवल का है, कोई एडवांस लेवल का है, जिसका वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, अपने हिसाब से कोई ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, इंटेंस वर्कआउट कर रहा है, उसे BCAA की ज़रूरत है। मैं कई बार देखता हूँ कि बिगनर जो जा रहे हैं जिम में, वो जाते ही भी वो एक सप्लीमेंट स्टैक उठा लेंगे, भैया ने दे दिया जिम वाले ने, प्रोटीन ले लो, BCAA ले लो, प्री वर्कआउट ले लो। क्या इनकी ज़रूरत आपको है शुरुआत में? नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी नहीं है कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप बढ़िया डाइट लो, डाइट से भी BCAA मिल सकता है। डाइट में भी अपनी BCAA होता है। कुछ फूड ऐसे हैं, नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड है, जितने भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, उन सभी में BCAA होता है। ठीक है, उस नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारी चीज़ होती है। ठीक है, नॉन वेज जो फूड होते हैं, जो उन्हें खाते हैं, वही तो बोलते हैं कि नॉन वेज और वेज में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेज छोड़ के नॉन वेज खाना शुरू कर दो, होता है। वेजिटेरियन में भी होते हैं कुछ ऐसे फूड जिनमें BCAA पाया जा सकता है, लेकिन उनके साथ बहुत सारी कैलोरीज आपको आ जाती हैं। नॉन वेज में क्या होता है, नॉन वेज में आप लीन प्रोटीन खा रहे हो, उसमें आपको BCAA की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, BCAA सिर्फ उनके लिए है जिनका वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जिनकी रिकवरी टाइम से नहीं हो पाती। ठीक है, उन्हें वर्कआउट फिर से दोबारा करना पड़ेगा जल्दी जल्दी अपनी मसल बिल्ड करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है BCAA। ठीक है, उनके लिए नहीं जो शुरू में जा रहे हैं। ठीक है, कोई बिगिनर्स मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप प्री वर्कआउट लो या BCAA लो। प्रोटीन और गेनर वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी हेल्प करेंगे आपको साइज गेन करने में, मसल बिल्डिंग करने में। ठीक है, BCAA रिकवरी का काम करता है, सभी को पता है। जो हमारा ब्रेकडाउन होता है मसल, ठीक है, वर्कआउट के टाइम पे, उसे रिकवर करने में, जल्दी रिकवर करने में BCAA बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BCAA को लेने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आप सुबह के टाइम से मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला अपना BCAA ले सकते हैं, पानी में घोल के 5 ग्राम। ठीक है, इससे आपकी भी मसल रिकवर, जो आपको आपने गैप लिया है रात को सोने के टाइम पे, जो आपकी मसल लूज़ होने के चांसेस हैं वे नहीं होंगे, वे दोबारा से अपने एनाबॉलिक मोड में चले जाएंगे, यानी कि बिल्ड करने के उसमें। ठीक है, मसल बिल्डिंग के फेज में चले जाएंगे दोबारा से। दूसरा होगा हमारा पोस्ट वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट से आधा घंटा पहले। ठीक है, 5 ग्राम BCAA, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अपना जाहिर सी बात है BCAA है, रिकवरी करेगा। ठीक है, तीसरा होगा हमारा इंट्रा वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट के बीच में आप सिप सिप करके पी सकते हो। ठीक है, चौथा होगा हमारा आफ्टर वर्कआउट। ठीक है, यानी कि आफ्टर वर्कआउट, प्री वर्कआउट भी ले सकते हो और आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हो। तो ये कुछ चार तरीके हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से, जो आपकी मसल रिकवरी में या फिर मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, BCAA आप कोई भी कंपनियां से ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी कंपनियां अलग अलग हैं, किसी में थोड़ी चीज़ ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी चीज़ कम होगी, सब बराबर ही रखते हैं। लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में BCAA उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता जितना आप नॉन वेज से ले सकते हो। ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब शुरुआत में नहीं, थोड़े टाइम बाद ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरुआत से ही अपना एक सप्लीमेंट स्टैक बना के चलो कि हाँ हमें सारी चीज़ लेनी है, शुरुआत में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जब आपकी मसल गेन होने लगेगी, आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट की तरफ जाने लगोगे, तब आप BCAA ले सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड यही काम करता है कि हमारी मसल बिल्ड करता है और रिकवरी करता है। नॉन वेज के लिए ये है कि नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप दिन में कम से कम अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, फिश खा रहे हो, और यहाँ तक कि वे प्रोटीन तक में हमारा 5-5.5 ग्राम BCAA मिल जाता है जो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी भी है और नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है लेने में। ठीक है, नॉन वेज भी ले सकता है, वेज भी ले सकता है, फूड सप्लीमेंट है, बहुत बढ़िया फ़ायदा करेगा। ठीक है, ये वही चीज़ होती है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। ठीक है, और जो हम फूड से नहीं ले पाते, उनकी मात्रा पूरी करने के लिए हम बाहर से लेते हैं। ठीक है,
तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो थैंक यू, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू।